मेरा नाम है लव गुप्ता और आज इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं ड्राइंग इंजीनियरिंग। और चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक। तो कंटिन्यू करते हैं, हमारा टॉपिक चल रहा था वर्टिकल ड्रेनेज। इसके अंदर हम वर्टिकल ड्रेनेज यूजिंग मल्टीपल वेल पॉइंट सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। ए मल्टीपल वेल पॉइंट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए नेटवर्क ऑफ क्लोजली स्पेस्ड शैलो ट्यूब वेल टू डी वाटर ए वाटर लॉक्ड एरिया वेयर द वाटर टेबल इज क्लोज टू द ग्राउंड वाटर और वेरी क्लोज टू रूट जोन एंड पंपिंग बाई सिंगल और फ्यू स्कैटर्ड डीपर ट्यूब वेल आर नॉट एडिक्वेट टू लोअर द वाटर टेबल। तो मल्टीपल वेल पॉइंट ऐसी जगह पर क्रिएट किया जाता है जहाँ पे जो है सब सरफेस ड्रेनेज सफिशियंट नहीं होता है, या फिर जो वाटर टेबल जो रूट जोन पे या सरफेस से काफ़ी पास में या फिर सरफेस पे रहता है, वाटर लॉक्ड एरिया होता है। ऐसे जगह पे बहुत सारे वेल पॉइंट सिस्टम का जो है कंस्ट्रक्ट किया जाता है, उसके थ्रू वहाँ पे ड्रेनेज किया जाता है। इट इज ऑल्सो सुटेबल वेन द डीप वेल पंपिंग और पंपिंग एट हायर रेट फॉर अ सिंगल ट्यूब वेल मे बी हजार्डस ड्यू टू पंपिंग एट हायर रेट फ्रॉम अ सिंगल ट्यूब वेल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पुअर क्वालिटी वाटर एट डीपर डेप्थ। तो कई बार क्या होता है, किसी फील्ड में वाटर जो रहता है वो जरूरी नहीं कि वो क्वालिटी के रिस्पेक्ट में वो अच्छा ही हो, मतलब उसमें डिफरेंट टाइप के सॉल्ट प्रेजेंट हो सकते हैं, वो अल्कलाइन वाटर हो सकता है, ये उसका कम ज़्यादा हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो क्वालिटी के रिस्पेक्ट में देखा जाएगा, कई बार क्या होता है कि वो किस फील्ड का जो वाटर है उसको सिंगल ट्यूबवेल कंस्ट्रक्ट करके दो तीन ऐसे ट्यूबवेल कंस्ट्रक्ट करके उसको रिमूव करना जो है, हाई रेट से रिमूव करना जो हजार्डस हो जाता है पंपिंग के लिए भी और उस सॉइल के लिए भी। तो उसमें क्या करते हैं, बहुत सारे वेल पॉइंट्स क्रिएट करते हैं, उसके बाद उससे वाटर जो है रिमूव किया जाता है लो रेट से। और ये जो है सॉइल के प्रॉपर्टी पे भी डिपेंड करता है कि स्पेसिफिकली उस सॉइल का कितना है, तो उसमें जो वेल पॉइंट में कितने टाइम बाद जो है वो फिर से रिचार्ज हो जाता है, जो वाटर है वो कितने टाइम बाद उसमें सीप होके आता है, तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही उसका रेट डिसाइड किया जाता है। वैसे मल्टीपल वेल पॉइंट सिस्टम ऑफ ग्राउंड वाटर पंपिंग इज एसेंशियली इन ड्रेनेज मेथड। इन दिस सिस्टम शैलो ट्यूबवेल्स आर क्लोजली स्पेस्ड टू प्रोड्यूस इंटरफेरेंस इफेक्ट व्हेन दे आर साइमल्टेनियसली पंप। इसमें क्या करते हैं, बहुत सारे वेल क्रिएट किए जाते हैं पास पास में, जिससे कि उनके कोन ऑफ डिप्रेशन में जो इंटरफेरेंस होता है एक दूसरे के कोन ऑफ डिप्रेशन में, उससे बाद वहाँ से पंपिंग की जाती है, सभी को एक साथ जो वाटर उसमें से रिमूव किया जाता है। द रिजल्ट ऑफ ऑपरेटिंग ए मल्टीपल वेल पॉइंट सिस्टम विल बी दैट ऑल द इंडिविजुअल कोन ऑफ डिप्रेशन विल सुपर इम्पोज on one another, giving a large overall water table decline during pumping over a large area. तो यहाँ पे बता रहे हैं कि कौन ऑफ डिप्रेशन जो है डिफरेंट वेल्स के लिए जो क्रिएट होते हैं वो सभी एक दूसरे के साथ में ओवरलैप होते हैं, सुपर इम्पोज होते हैं, जिससे कि वो उस पूरे एरिया में जो है काफ़ी जल्दी जो है वाटर को रिमूव किया जा सकता है थ्रू वर्टिकल ड्रेनेज। अगर उस सॉइल की प्रॉपर्टीज जो है ट्रांसमिसिविटी या कंडक्टिविटी जो अच्छी नहीं है, स्पेसिफिकली अच्छा नहीं है उस सॉइल का, और हमको वहाँ से वाटर जल्दी रिमूव करना है उस फील्ड से, उस रिस्पेक्ट में ये जो मेथड है मल्टीपल वेल पॉइंट सिस्टम वो सूटेबल हो जाता है। बाय यूजिंग बेंड्स द डिलीवरी पॉइंट्स दीज पाइप्स आर केप्ट सफिशिएंटली डीप इन सम पाइप, अ सिंगल पंप वाटर ड्रॉस फ्रॉम द सम पाइप कॉजिंग इट ड्रॉ डाउन इन इट adequately below the surrounding water table. This enables the pipeline connected to well point draw down water and deliver it into sump. So simply इसमें बात की जा रही है पंपिंग सिस्टम के बारे में। In brackish saline groundwater region, the extraction of groundwater is slow as the water cannot be used for irrigation. Use only surface water for irrigation causes gradual rise of the poor quality groundwater. Conjunctive use of surface and groundwater can be adopted in such places for controlling water table as well as for increasing irrigation water availability. So,
यहाँ पे कंजक्टिव यूज का मतलब है सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर का इरिगेशन के लिए दोनों का सिमिलर यूज करना, मतलब सरफेस और ग्राउंड वाटर दोनों का किसी फील्ड में यूज करना, उसी को बोला जाता है कंजक्टिव यूज ऑफ वाटर। तो यहाँ पे कई बार क्या होता है कि इरिगेशन के लिए अगर हम वाटर यूज करते हैं तो सरफेस वाटर जो है या फिर ग्राउंड वाटर जो है उसको सिंगलरली किसी भी एक सोर्स से इरिगेशन करना जो है वो फील्ड के लिए प्रॉफिटेबल नहीं रहता, मतलब या उससे फील्ड को उसमें सॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन होने लगता है, जो सॉइल है वो अल्कली होने लगता है या सलाइन होने लगता है जो वाटर में सॉल्ट प्रेजेंट रहते हैं। तो ये प्रॉब्लम सरफेस वाटर से भी हो सकता है और ग्राउंड वाटर से भी हो सकता है। तो इस प्रॉब्लम को थोड़ा बहुत जो है अवॉइड करने के लिए कंजक्टिव यूज वाला मेथड जो है अपनाया जाता है। शाक्य एट ऑल कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट विथ मल्टीपल वेल पॉइंट इन 16 हेक्टेयर नियर एरिया नियर गोलेवाला विलेज इन साउथ वेस्ट पंजाब। तो केस स्टडी के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। द डिस्चार्ज फ्रॉम ईच ऑफ द वेल पॉइंट वॉज अप्रोक्सीमेटली 3 लीटर पर सेकेंड। द सिस्टम वॉज ऑपरेटेड इंटरमीडियंटली विथ 8 आवर्स ऑफ पंपिंग फॉलोड बाई 16 आवर्स ऑफ रिकवरी इन 24 आवर एंड कंटिन्यूड फॉर एटलीस्ट ए वीक एट ए टाइम। तो ये मेथड है, उसमें क्या क्या है जो प्रोसेस है वो अपनाया गया उसके बारे में बात हुई। देन देयर इज रेसिडुअल ड्रॉडाउन एट द एंड ऑफ पंपिंग वॉज 24 सेंटीमीटर नियर वेल पॉइंट बट ए फ्यू सेंटीमीटर एट द फार्थेस्ट पॉइंट दैट इज एट द इंटरेक्शन ऑफ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फॉर्म्ड बाय द जॉइनिंग लोकेशन ऑफ 4 एडजेसेंट वेल पॉइंट। द लॉन्गर वॉज द टोटल ड्यूरेशन ऑफ पंपिंग द मोर वॉज द रेसिडुअल ड्रॉडाउन। तो ड्रॉ डाउन का मतलब है जो वेल में वाटर सीप होके आप जो उसके पूरे प्रॉपर्टीज के होते हैं पोरोसिटी कंडक्टिविटी उसके बेसिस पे जो वाटर फिर से जो कांस्टेंट लेवल मेंटेन करता है ट्यूब वेल में या वेल में उसी को बोला जाता है ड्रॉ डाउन। दिस स्टडी वॉज कैरिड आउट इन स्मॉल एरिया विद इन ए वास्ट एक्सपेंस ऑफ शैलो वाटर टेबल रीजन देयर फॉर द टेम्परेरी ड्रॉ डाउन ड्यूरिंग द इमीडिएटली After pumping was recovered soon due to the inflow groundwater from surrounding area. The major conclusion of their study was that the multiple well point system could be used for control of water table and hence for the drainage of waterlogged areas. तो ये एक केस स्टडी था जिसमें शाकिया एट ऑल ने कुछ स्टडी किया था बहुत सारे वेल पॉइंट्स क्रिएट करके 16 आवर्स और 24 आवर्स के लिए जो कंटिन्यूस पंपिंग 8 आवर 16 और 24 आवर्स के कंटिन्यूस पंपिंग जो फॉलो की थी उसका कंक्लूजन यही निकला कि वो इफेक्टिव मेथड है मल्टीपल वेल पॉइंट सिस्टम जो है वाटर लॉक्ड एरिया से वाटर रिमूव करने के लिए। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वर्टिकल ड्रेनेज यूजिंग डग वेल। डग वेल टैप शैलो अनकन्फाइंड एक्वीफर देयरफॉर पंपिंग फ्रॉम डग वेल has an immediate effect on the shallow water table. However, since the dug wells are shallow, have a small discharge capacity, and have a small zone of influence, the effect of water table decline is limited to a small area surrounding the well. So, shallow well में क्या होता है या फिर dug well जो है उसका depth जो कम होता है shallow होता है तो वो जनरली अनकन्फाइंड एक्वीफर को टैप करता है और अनकन्फाइंड एक्वीफर वेल के थ्रू पंपिंग करने से उसका जोन ऑफ डिप्रेशन जो है वो काफी कम होता है लेकिन उसमें इफेक्ट जो है वो सॉइल सरफेस पे वो इमिडिएट दिखता है, मतलब ज्यादा लॉन्गर टाइम नहीं लगता है कन्फाइंड एक्वीफर के कंपेरिजन में। इफेक्ट जो है वाटर का रिमूवल का है वो काफी जल्दी देखने मिल जाता है। तो कन्फाइंड एक्वीफर के रिस्पेक्ट में जोन ऑफ डिप्रेशन को जोन ऑफ इन्फ्लुएंस कहा जाता है, जोन ऑफ डिप्रेशन नहीं जोन ऑफ इन्फ्लुएंस बोला जाता है। दोनों टर्म सिमिलर है लेकिन अनकन्फाइंड के लिए जोन ऑफ इन्फ्लुएंस यूज किया जाता है। द इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल डिक्लाइन इज लिमिटेड टू स्मॉल एरिया अराउंड द वेल। ठीक। द कॉन्स्टेंट्स ऑफ लो डिस्चार्ज
can be partially avoided by withdrawing water at high rate to cause adequate drawdown within a short period of period and stop pumping thereafter to allow recovery. रिकवरी का मतलब है वहाँ पर वाटर जो है कॉन्स्टेंट लेवल फिर से मेंटेन करने में अनकन्फर्ट है, तुम्हारा कुछ टाइम लगता है तो कॉन्स्टेंट डिस्चार्ज मेंटेन नहीं कर पाता है एक्यूपर चलो एक्यूपर और खास करके वो कॉन्स्टेंट डिस्चार्ज मेंटेन नहीं कर पाता, उसमें जो वाटर से सॉइल से फ्लो होते हैं वाटर वेल में एक कॉन्स्टेंट लेवल मेंटेन करने में फिर से कुछ टाइम लगता है. इफ द रेट ऑफ रिकवरी इज वेरी स्लो as in situation where the surrounding soil porous media has a low saturated hydraulic conductivity, the drawdown effect in the close vicinity of the well lasts longer. This period can be further lengthened by pumping a number of times in a day. The water so pumped can be used for irrigation or using the canal water if area is canal irrigated. So, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो soil है या जो रिकवरी रेट है वो डिपेंड करता है हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ऑफ सॉइल पे और पोरोसिटी पे. तो अगर वाटर जो वो स्लो रिकवरी रेट है उस वेल का तो उसमें डिफरेंट टाइम्स ऑफ डे में मतलब पंपिंग थोड़ी देर करने के बाद कम्प्लीटली वाटर रिमूव करने के बाद पंपिंग बंद कर जाती है, फिर दूसरे टाइम पे या कुछ समय बाद जब उसमें रिकवरी हो जाती है तब की जाती है पंपिंग. मतलब एक ही दिन में कई बार पंपिंग की जा सकती है, वो डिपेंड करता है रिकवरी रेट पे. देन शर्मा एट ऑल 1999 स्टडीड द इफेक्ट इन टर्म्स ऑफ वर्टिकल ड्रेनेज एंड इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप एरिया बाय पंपिंग फ्रॉम डग वेल इन अ शैलो वाटर टेबल फार्म होल्डिंग इन द बर्ना कमांड एरिया ऑफ मध्य प्रदेश. तो शर्मा ने स्टडी की थी 1999 में वर्टिकल ड्रेनेज के लिए शैलो वेल के लिए. द क्रॉप्स वेयर सोयाबीन इन खरीफ एंड वीट इन रबी. इट वॉज फाउंड दैट टेम्पररी वाटर टेबल डिक्लाइन ड्यू टू पंपिंग फ्रॉम डग वेल यूजिंग द वाटर फॉर इरीगेशन इंस्टेड ऑफ द वेजिटेबल कैनाल वाटर कुड गिव 14.6% एंड 27.3% इंक्रीज इन यील्ड. तो इन्होंने क्या किया कि जो पंपिंग है थ्रू वाटर शैलो वेल से वाटर रिमूव कर रहे थे फील्ड से, उसको उस फील्ड में उस फील्ड के आसपास जो है इरीगेशन के लिए यूज किया, उसकी वजह से जो यील्ड जो हुआ इंक्रीज हुआ रिस्पेक्टिवली फॉर द करीब सोयाबीन एंड द रबी वीट एज कम्पेयर टू द एरिया वेयर द इरीगेशन वॉज ओनली बाई कैनाल वाटर इन रबी सीजन. द अनपम्प्ड डग वेल इन द कैनाल इरीगेटेड रीजन रिकॉर्डेड राइज इन वाटर टेबल बाई 2 सेंटीमीटर where the pumped deck will record a declining water table by 15 cm from the start to the closure of the canal during the rabi season. For the pumped deck well, the well water was used for irrigation, not the canal water. यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि comparison किया है कि दो एक field है उसको दो parts में divide करके canal के through irrigation किया है जो कि जिसमें वाटर टेबल भी काफ़ी पास में सरफेस के मतलब उसमें भी वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है दोनों उस फील्ड में. तो एक में उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करके जाके एक में कैनाल से इरीगेशन किया और दूसरे में कैनाल और जो पंपिंग के थ्रू वाटर निकल रहा है वेल से उसका भी यूज़ किया है. तो पंपिंग और कैनाल वाले जो फील्ड था जिसमें दोनों वाटर का यूज़ किया गया कैनाल वाटर का और पंपिंग वाटर का भी उसमें जो है यील्ड जो है इंक्रीज हो गया. Water table observation made in number of overhauls in the area under canal irrigation and under well irrigation revealed a reduction in the SWE 100 number of days when the water table were shallower than 100 cm SEW 100 values in rabi season from 76 in the canal irrigated region in 24 in the dug well irrigated region. Based on the above information and discussion, it can be concluded that vertical drainage has many advantages. It is a means of controlling water table in unconfined aquifer, leaky aquifer region as well, as it is a vital component of conjunctive use of surface and groundwater, which is considered in
एंड एप्रिशिएट मैकेनिज्म ऑफ लैंड एंड वाटर मैनेजमेंट अगेंस्ट डिग्रेडेशन स्पेशली इन कैनाल कमांड एरिया. तो इस शैलो ट्यूबवेल्स या फिर वेल कंस्ट्रक्ट करके ड्रेनेज करने का, वर्टिकल ड्रेनेज का भी जो है काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, एडवांटेजेस हैं. द स्प्लिट एग्रीमेंट्स सरफेस वाटर सप्लाई एंड एडिशनल वाटर रिलेट्स मोर एरिया और मेक मोर वाटर अवेलेबल फॉर इरीगेशन इन द गिवन एरिया. ऑल्सो विच प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर इट इज यूजफुल इन इरीगेशन इवन इन द पुअर क्वालिटी ग्राउंड वाटर एरिया. तो वाटर के थ्रू जो वर्टिकल ड्रेनेज के थ्रू पंपिंग होती है, वैसे जगह पे वर्टिकल ड्रेनेज में बेनिफिशियल होता है क्योंकि उसका वहाँ पे हम यूज सरफेस वाटर का भी कर सकते हैं और ग्राउंड वाटर का भी कर सकते हैं इरीगेशन के लिए. इनफैक्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ द कॉस्ट ऑफ एनर्जी एंड टाइमली रिप्लेसमेंट ऑफ पंप एंड इंजन आर आफ्टर द इकोनॉमिक लाइफ टाइम आर द की डिटरमाइंड इन सिलेक्शन ऑफ वर्टिकल ड्रेनेज. सिस्टम को मेंटेन करना, पंपिंग सिस्टम को मेंटेन करना एक की पॉइंट होता है वर्टिकल ड्रेनेज के लिए. उसकी लाइफ टाइम कितनी है और उसकी इकोनॉमिक कितना है, वही ये सारी चीज़ें देखी जाती है वर्टिकल ड्रेनेज को फेजिबल बनाने के लिए. तो पंपिंग को मेंटेन, पंपिंग सिस्टम और इंजन को मेंटेन रखा जाता है तो वर्टिकल ड्रेनेज बहुत फेजिबल और एडवांटेजेस होता है. तो ये हो गया हमारा वर्टिकल ड्रेनेज. नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं बायो ड्रेनेज सिस्टम. सो थैंक यू गाइस.